करती हुई आज की मुरली पर जाते हैं। मुरली का डेट है 24/1/76 और मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। हम इसका पहला पार्ट सुन चुके हैं। जैसे बाबा ने बताया था समर्पण करना, समर्पण करना अर्थात सब कुछ बाबा को अर्पण कर देना, कुछ भी मेरा नहीं सब बाबा का। जैसे हम बाबा पे समर्पित हो जाते हैं, ये सब हमने पहले पार्ट में देखा था कि जब हम बाबा को समर्पित कर देते हैं तो क्या बाबा भी हम पर पूरा समर्पण कर देते हैं। बाबा की हर खजाने हर शक्ति पर हमारा अधिकार हो जाता है। और जो बच्चे समर्पित हो जाते हैं उनकी निशानी क्या होती है, वे नष्टो मोहा हो जाते हैं, वे हमेशा अपने श्रेष्ठ स्वमानों में श्रेष्ठ कर्तव्यों में रहते हैं, उनको उनकी स्मृति रहती है। वे हर कर्म करने से पहले चेक करते हैं कि क्या यह कर्म श्रीमद् प्रमाण है, और उस प्रमाण करते हैं तो उनके हर कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। और जैसे कर्म श्रेष्ठ हुआ तो फिर उनका जीवन भी श्रेष्ठ होता है, उनको पद भी श्रेष्ठ मिलता है, उनका वर्तमान और भविष्य भी श्रेष्ठ हो जाता है। और इसी फर्स्ट पार्ट में लास्ट में बाबा ने अव्यक्त स्थिति के बारे में बताया। सेकेंड पार्ट में भी बाबा ने मैक्सिमम अव्यक्त स्थिति के बारे में बताया है कि अव्यक्त स्थिति हमें इसके लिए कितना पुरुषार्थ कब करना चाहिए सब बाबा ने बताया। और साथ ही बताया कि सारे संबंध हमें एक बाप के साथ करना रखना है, एक बाप की याद में रहना है। एक बाप की याद में रहेंगे तो हमारी अवस्था भी एक रस होगी और हम पर माया भी वार नहीं कर सकेगी। तो चलिए आज हम सेकेंड पार्ट पर जाते हैं। दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो, कौन से कदम? पुरुषार्थ के कदम। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो, यानी अपनी स्थिति हमेशा आगे होती रहे, अपना पुरुषार्थ आगे की ओर बढ़ते रहे। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। क्या कहा बाबा ने कि अगर हम समझेंगे कि अभी तो समय पड़ा है, जब समय आएगा तब हम पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा करेंगे तो स्थिति भी बदल जाएगी। यानी एक हिसाब से हम ये भी ले सकते हैं कि अभी हम चाहे तो काम से भी समय निकाल सकते हैं और समय निकाल कर पुरुषार्थ कर सकते हैं, अपनी स्थिति बना सकते हैं, लेकिन भविष्य में जब समय आएगा तब बहुत समय नहीं बचेगा कि हम समय निकालें हम पुरुषार्थ करें। उस समय तो और भी इतना ज्यादा बिजी हो जाएंगे और शायद बहुत तो अभी हो भी चुके हैं। उस समय तो सिर्फ हमारे सामने मांगने वाले आएंगे और देने का पार्ट चलेगा, तो उस समय स्थिति का पार्ट तो रहेगा ही नहीं, समाप्त तो हो जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं कि अगर समय आने पर स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। कुमारियां दौड़ने में तेज है, क्यों तेज होती है? उनको कोई बंधन तो होता नहीं है तो वो सबसे तेज दौड़ सकती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कुमारियां दौड़ने में तेज होती हैं, तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नजदीक आएंगे। फर्स्ट आने वाले मतलब जो पुरुषार्थ करके आगे जाएंगे वो ही फर्स्ट के नजदीक, फर्स्ट कौन? ब्रह्मा बाबा, उनके नजदीक जाएंगे। जैसे साकार फर्स्ट गया ना, साकार मतलब ब्रह्मा बाबा, लक्ष्य तो ऊंचा रखना है, लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तब ही संपूर्ण पद मिल सकता। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात
सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना। ये दो शब्द आते हैं, संपूर्ण और संपन्न। संपूर्ण कब बनेंगे? जब हर चीज में संपन्न, 16 कला संपन्न, बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। हर चीज का होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज में संपन्न होना बड़ी बात तो है नहीं। जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। जानने के बाद, सब कुछ मालूम होने के बाद, भगवान बाबा को भी जानने के बाद क्या याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है, नॉलेज लाइट यानी स्मृति में भी हो और उसकी शक्ति यानी हमारे स्वरूप में भी हो, लेकिन अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की? उनको जानना नहीं कहा जाएगा। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है। अव्यक्त मूल्य में भी देखा था, संडे की अव्यक्त मूल्य में, नॉलेज को क्या करना होता है? उसको अपने जीवन में ढालना होता है, उसे धारण करना होता है। और जैसे जैसे वह अपने में धारण होते जाएगी, तो धारण किस द्वारा होगी? बुद्धि के द्वारा। जैसे हमें नॉलेज मिली, हमने उसे बुद्धि में धारण किया, फिर हम उसे अपने कर्म में अप्लाई करने लग जाते हैं, तो वह स्वतः हमारा स्वरूप बन जाता है। तो वही है, नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज है। थ्योरी मतलब सिर्फ जानना और चीज है। जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना और चीज है। धारण से कर्म ऑटोमेटिक हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हो तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रिया भी वह करती है। जब हमने उसे बुद्धि में ले आया तो कर्मेंद्रिया स्वतः ही वह कार्य करने लग जाती है। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ। जब भगवान के बच्चे बन गए तो भगवान की लाइट माइंड हमेशा हमारे साथ है, भगवान के नॉलेज की लाइट माइंड। ऐसे समझ कर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज है, सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। तो बाबा ने इस नॉलेज को भोजन के साथ कंपेयर किया है। तो देखते हैं, भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ कहाँ में आ जाती है, कहाँ से आ जाती है, कहाँ से आएगी? जब हम उस भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, जब वो ब्लड में जाता है तब वो हमको उससे शक्ति मिलती है। तो वही चीज बाबा ने कहा कि जैसे भोजन से शक्ति मिलती है, तो वैसे ही ज्ञान को जब हम बुद्धि में धारण करते हैं और वह हमारी एक्टिविटी में आने लगती है, हमारी कर्मेंद्रियां उसे फॉलो करने लगती है, तो वह स्वतः हमारा स्वरूप बन जाता है। तो खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ ना कर सके, यह हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं। मतलब क्या? अरे सर्वशक्तिवान के बच्चे होकर और कुछ भी ना कर सके, बाबा कहते क्या यह भी होता है? अगर यह होता है तो तुम बाबा के नाम को भी नीचा कर देते हो, छोटा कर देते हो, बाबा के नाम को भी शर्माते हो। सदैव यही एम रखनी चाहिए, हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाए। इंतजार में नहीं रहना है कि वह करे तो हम करें, कोई करे, कोई आगे बढ़े तो हम करें, ना बाबा ने ऐसा नहीं कहा। बाबा ने कहा इंतजार में नहीं रहना है लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बना ना। अपने घर में आए हो यह समझते हो, जब मधुवन जाते हैं तो
वही बाबा करते, अपने घर में आए हो या समझते हो, जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंच जाता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है, तो यहाँ विश्राम की भासना आती है। स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है। सदैव विश्राम की स्थिति में समझो। अब बाबा ने पहले तो स्थूल में कहा, जैसे मधुवन में आते हो, फिर बाबा ने कहा सदैव विश्राम की स्थिति में समझो, यानी हमको कर्म करते भी अपनी स्थिति याद रखनी है, अपनी अव्यक्त स्थिति, अपना परम धाम घर, तो स्वतः हमको भी एक आराम की स्थिति अनुभव होगी। और जब परम धाम याद आता है या अपना सूक्ष्म वतन भी याद आता है, तो एक तो घर याद आया और घर की स्थिति अनुभव हुई, तो आराम तो हो गई और साथ साथ हमें स्वयं बाबा की शक्ति मिलती है, तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है, एक रेस्ट की एनर्जी और एक बाबा के द्वारा मिलने वाली शक्ति। वही बाबा कहते हैं सदैव विश्राम की स्थिति में समझो, भल कार्य अर्थ आओ जाओ तो भी यह स्थिति का अनुभव साथ ले जाना। इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए स्थिति विश्राम की रहेगी। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है, स्थूल में भी होता है, वैसे हमें सूक्ष्म में भी करना है। अपने में जब शक्ति आती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे। सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप? बाबा पूछ रहे हैं, आपके साथ तो सर्वशक्तिवान की शक्तियां हैं, तो सर्वशक्तिवान कौन है, बाबा है कि वातावरण है? जब सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? क्यों वातावरण के सामने हार खा जाते हो? सर्वशक्तिवान के बच्चे होकर भी वही बाबा पूछते हैं, अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उनको असर नहीं होगा। डॉक्टर को पेशेंट का असर नहीं होता कि पेशेंट दर्द में है, मैं भी दर्द में आ जाऊं, नहीं। वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमको बनावे। युगल होते हुए भी, कैसे युगल? एक हम और एक बाबा, सदा युगल। माना कि आत्मा अकेली है, लेकिन फिर भी हम हमेशा बाबा हमारे युगल हमारे साथ है। तो युगल होते हुए भी अकेले आत्मा की स्मृति में रहती हूँ। बाबा पूछ रहे हैं, जब हम बाबा हमेशा आपका युगल है तो क्या फिर भी अकेले आत्मा की स्मृति में रहते हो? आत्मा अकेली है ना, अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो किसके किसके साथ संबंध में आए? सर्व संबंध किससे है? एक से। कौन है वो एक? बाबा। वही बाबा ने कहा सो एक तो एक से दो भी बनना है, बाप और बच्चा, तीसरा कोई संबंध नहीं। तीसरा कोई संबंध नहीं मतलब यहाँ बाबा कहते हैं तीसरा कोई दूसरे से संबंध, तीसरे से संबंध नहीं। एक बाबा से, एक बाबा और एक मैं, और तीसरा किसी से हमारा संबंध नहीं। स्थूल में है, निभाने अर्थ है, निभाने के लिए हम सबसे संबंध करेंगे, लेकिन दिल से संबंध हमारा सिर्फ एक बाबा के साथ है। सर्व संबंध को एक से जोड़ना है, एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही उच्च स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए देखने में ना आए, अगर देखना है तो भी एक को बोलना भी उनसे। ऐसी स्थिति रहने से ही माया जीत बनेंगे। जो माया जीत बनते हैं वह जगत जीत बन जाते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है,
सिर्फ इस संगम युग में ही ये बाबा के साथ का शुद्ध स्नेह, किसी के साथ भी संबंध कर लो, किसी से कितना ही प्यार कर लो, कितना ही किसी पे मन मिटो कुर्बान कर लो, लेकिन वह प्यार, वह शुद्ध स्नेह सिवाय बाबा के और किसी से नहीं मिल सकता। तो ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है, जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है। नशा चढ़ जाना चाहिए हर घड़ी, जब भी याद आए जो प्राप्ति हमें हुई है वो और किसी को हो ही नहीं सकती। किसी और की प्राप्ति में तो हमारी नजर जा ही नहीं सकती, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी, विश्व क्या पूरे सब चीज की सबसे बड़ी चीज हमें मिल गई है। इस नशे और निश्चय में रहना है। दिल्ली में कमाल कब करेंगे, बाबा को दिल्ली बहुत याद आता है। दिल्ली का आवाज ही चारों ओर फैलता है। दिल्ली में नाम बाला होना, भारत में नाम बाला होना है। इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है। समय कम है, सर्विस बहुत है, इसी रफ्तार से जब सर्विस करेंगे तब ही सभी को संदेश पहुंचेगा। कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान है। महादान का फल भी इतना मिलता है। बाप को सदैव शांत रखेंगे तो माया देखेगी। इसके साथ सर्वशक्तिमान बाप है तो वह दूर से भाग जाएगी। माया चाहे कितनी भी बलवान क्यों न हो, लेकिन सर्वशक्तिमान बाप के सामने उसकी हार ही होती है। वो हमेशा डरती ही है बाबा से, सर्वशक्तिमान की किरणों से भी डरती है। तो हमेशा बाबा को साथ रखें तो माया दूर भाग जाएगी। अकेला देखती है तब हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हो तो कोई भी जानवर वार न करे, इसके लिए आग जलाते हैं। वैसे ही याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकेगी। यह लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, हमेशा एक लगन, मैं और बाबा, सिर्फ यह याद करना ही अग्नि जलाना है। जैसे जैसे हम बाबा को स्मृति में रखते हैं, बाबा को एक घड़ी अपने को आत्मा देखते हुए जब भी बाबा को याद करते हैं तो लगन की अग्नि लगी हुई है और उस अग्नि को बुझने नहीं देना है। तो माया रूपी जानवर कभी भी हम पर वार नहीं करेगा। फिर विजय ही विजय है। बाप दादा को बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती है, क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई है तो थके हुए बच्चों पर बाप का स्नेह रहता है। इतना स्नेह बच्चों को भी रखना है, जैसे बाबा बच्चों से स्नेह करता है वैसे बच्चों को भी रखना है। माताओं का तो नेचुरल रहता है, क्योंकि उनको तो एक बाबा शब्द ही ज्यादा स्मृति में रहता है। घर बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी। कितने सारे फायदे बताए बाबा ने, जैसे जैसे याद की यात्रा में रहोगे तो माया हमारे ऊपर वार नहीं कर सकेगी, हमारी भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी, हमारे वातावरण भी हमारे से परिवर्तन होगा, वातावरण भी हम पर हावी नहीं होगा। तो याद की महिमा तो है ही बहुत ज्यादा। जितना दूसरों को संदेश देते हैं, सॉरी, सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो, बाबा पूछ रहे हैं क्या सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो। जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है, नेचुरल होता है। जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से हमने उसे बुद्धि में, कर्म में नहीं लाया है लेकिन बुद्धि में है, और जब हम वो ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं और वो परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो तुरंत हमको स्मृति में आती है कि हाँ हमने उनको भी ऐसा, बहुत प्रैक्टिकल होता है। आप ज्ञान देकर देखिए हर किसी को, चलते फिरते, भले ही हमने उसे लाइफ में अप्लाई नहीं किया है लेकिन जब हम दूसरों को देते हैं और वो परिस्थिति हमारे सामने आती है तो वह ज्ञान बहुत तीव्रता से
उस समय कर्मों में आ जाता है, हमारी धारणा बन जाती। क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का न चाहते हुए भी ध्यान जाता है। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन से जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व संबंध से मुक्त होते जाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ? बाबा ने पूछा कि कैसे हम सर्व संबंध से मुक्त हो सकते हैं। सही बताया ना, उसके आधार पर पूछा। एक बंधन में अपने को बांधना, यह मीठा बंधन भी अब का ही है, फिर कभी नहीं होता और कल्प में फिर कभी भी नहीं मिलेगा, सिर्फ अभी चांस मिलता है। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिलता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं, जैसे पहले भी बताया था। क्योंकि जब बाबा के बने सब कुछ बाबा को अर्पण किया, तो बाबा को समर्पित करने वाला कर्म मनमानी कभी नहीं करेगा, या अपने मनमत या परमत के आधार पर भी नहीं करेगा, सिर्फ बाबा के श्रीमत के आधार पर करेगा। और जो कर्म श्रीमत के आधार पर होगा वो तो स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। और जब कर्म श्रेष्ठ है तो उसका वर्तमान भविष्य भी श्रेष्ठ, उसका पद भी श्रेष्ठ, उसका पूरा जीवन ही श्रेष्ठ बन जाएगा। वही चीज बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं और सबके दिलों पर भी छाते हैं, सामने वाला बहुत अनुभव करता है इन चीजों को। तो एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता है और भविष्य भी बनता है, जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाते वह कर्म करना चाहिए। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है। बाबा अहमदाबाद को होटल दे रहे अभी अहमदा, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर का बीज रूप है, बीच में ज्यादा शक्ति होती है। खूब ललकार करो जो गहरी नींद में सोए हुए भी जाग उठे। कुमारियां तो बहुत कमाल कर सकती है, एक कुमारी में जितनी शक्ति है तो इतनी सर्विस में सफलता दिखानी चाहिए। कुमारियां पुरुषार्थ में सर्विस में सभी से तेज जा सकती हैं, उनके पास कोई बंधन नहीं, कोई बिल्कुल आजाद है, बहुत तीव्रता से कर सकती है। शक्तियां सर्विस में आगे हैं वह पांडव, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा बहुत बार शक्तियां और पांडव को आगे बढ़ाने के लिए दोनों को कंपेयर भी करते हैं कि शक्तियां सर्विस में आगे हैं वह पांडव अपना यादगार है। हम कल्प पहले वाले पांडव हैं, कितने बार पांडव बने हो, जो अनगिनत बार होती है वह पक्की याद रहती है ना, यह स्मृति रहेगी तो फिर कभी भी विस्मृति नहीं होगी। कल्प पहले की पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं, यह नशा और निश्चय रखना है। हम ही हकदार हैं किसके, उच्चते उच्च पाप के। यह याद रहने से फिर सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से एक रस अवस्था होगी। अवस्था में सर्विस कैसे होती है, सबका प्रैक्टिकल अनुभव होगा। एक बिना बाबा की याद में और बिना अवस्था में किया गया कार्य और बाप की याद में अपनी स्थिति बनाए हुए किया गया कार्य में कितना फर्क होता है। तो वही बाबा कहते हैं, पूछते हैं कि अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, यह अनुभव होता जाता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ दे, अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, क्या यह भी अनुभव होता है? बाबा का साथ अनुभव होता है जब अव्यक्त स्थिति में होते हैं। जो वायदा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है।
रूप बदला है, जैसे पहले साकार मिलन, फिर अव्यक्त मिलन, अब वो भी नहीं है। एक्चुअली ये सब रूप है, लेकिन बाबा का कर्तव्य यहाँ पूरा मधुवन का ही कर्तव्य और ब्राह्मण बच्चों का भी कर्तव्य वही चल रहा है। तो वही बाबा कहते हैं कि सिर्फ रूप बदला है लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी स्नेही बच्चे हैं उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है, छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है, ऐसी भासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना ऐसी आदत पड़ गई है। एक्चुअली में ये सब सवाल है, बाबा ने फुल स्टॉप दिया हुआ है, लेकिन बाबा ये सब क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अभी अभी वहां, अभी अभी यहाँ, जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो, कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का, वतन में शुरू शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे, सूक्ष्म वतन में पक्षियों को उड़ाते थे, वैसे यह आत्मा भी पक्षी है, जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो, जब खुद उड़ता पंछी बने तब औरों को भी 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो समय लगता है, वो समय पहले का बात था, अभी तो बाबा कहते समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम तो आ चुके हैं उस 1 सेकंड वाले पार्ट में। अपरोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया, अपरोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो, जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वह कहाँ विदेश में भी है तो उनका मन ज्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता है उस देश का वासी अपने को समझते हैं, वैसे भी तुमको अब सूक्ष्म वतन वासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो, वह खुद को सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो, मतलब दो चीज हो सकता है, एक तो यहाँ रहते भी सूक्ष्म वतन वासी समझो या स्वयं को सूक्ष्म वतन में ले जाकर इमर्ज करो। तो वही बाबा ने कहा क्या अनुभव है, सूक्ष्म वतन वासी बाप को यहाँ इमर्ज करते हो, वह अपने को भी सूक्ष्म वतन वासी बनाकर साथ रहते हो। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतन वासी बन जाते, यहाँ भी जो बुलाते हैं यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म में सर्विस ले सकते हो, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो, व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो, फरिश्ते की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है, स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में जाते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप में अव्यक्त देश की अव्यक्त प्रवाह में रहते हैं, वही बच्चों को अनुभव कराने लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ, जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तब ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे, जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है, बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी, बस यह बनकर फिर यह बनेंगे। बाबा के लिए कहा, ब्रह्मा बाबा के लिए, यह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है, जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे उतना उतना राजपद को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं
जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे यह पढ़ना है। यह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं इमर्ज होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया, और शुक्रिया आप सभी का भी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट साइलेंट में रहते हैं। दिलीप भाई जी अपना पॉइंट शेयर कीजिए, आप अनम्यूट हैं, और बाकी भी सभी अपना अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओम शांति। दिलीप भाई जी अनम्यूट म्यूट हो गए। वृंदावन जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है हमें ऐसा नहीं सोचना है कि समय पड़ा है पुरुषार्थ कर लेंगे, क्योंकि बाबा को ये ध्येय की भाषा पसंद नहीं आती है। तो हमें क्या करना है, समय रहते ही समय से पहले ही अव्यक्त स्थिति में रह अव्यक्त को याद करना है और अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है। क्योंकि बाद में तो क्या है, ये पार्ट पूरा हो जाएगा, दूसरा पार्ट चालू आएगा, उस समय क्या है देने का, सभी मांगने वाले आएंगे, तो हमें उस समय देना है। तो क्या करना है, हमें बुद्धि में मतलब नॉलेज को बुद्धि में धारण करना है, अर्थात मतलब कमाना है, और प्यारे बाबा को हर समय युगल रूप में रखना है। तो लक्ष्य, हमारा लक्ष्य अगर ऊंचा रखेंगे तो हमारे में लक्षण भी वैसे ही आते जाएंगे और हम आपे ही संपूर्णता की तरफ बढ़ते जाएंगे या संपूर्ण हो जाएंगे। ओम शांति जी बहन जी। नमिता शाह बहन जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि भले हम स्थूल में हम सबके साथ संबंध रख सकते हैं, लेकिन दिल से हम एक ही बाबा के साथ संबंध रखना है। वह है दिल से हम एक के साथ संबंध रखना है, वह है बाबा। सर्व संबंध हम बाबा के साथ जोड़ने से अंदर में भी हम शक्ति शक्ति आ जाता है। तो बात करनी है तो सिर्फ बाबा से, देखना है तो सिर्फ बाबा से। तो ऐसे स्थिति उच्च स्थिति है। ऐसे स्थिति में हम मायाजीत भी बन पाएंगे, तो मायाजीत जगत जीत भी बन जाएंगे। बाबा से ये स्नेह शुद्ध स्नेह है, और कल्प में हम एक ही बार ऐसे स्नेह बाबा से हम मिलता है। तो ऐसे स्नेह को हमेशा कायम रखना है, तो बाबा के हमेशा साथ रखना है। एक फिर बाबा ने बोला कि एक बंधन मैं अपने को बांधना है, यह है मीठा बंधन।
बाबा के साथ बंधन बनने के बंधन को अपने में बनने से भी और सभी बंधन से धीरे धीरे टूट जाता है। ओम शांति। सावित्री बहन जी, हाँ जी दीदी, सबको ओम शांति और दिवाली की मुबारक। तो यहाँ पर बाबा ने जो फरिश्ते की डेफिनेशन के हिसाब से मुरली के आधार पर अव्यक्त स्थिति, तो यहाँ पे मैं अपना एक अनुभव के आधार पर जो मैं आत्मा करती हूँ मुरली के आधार पर, तो यहाँ पे हमें जैसे अव्यक्त फरिश्ता बनना, तो बीच बीच में हमें क्या करना, संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास करना है और बिंदु रूप का प्रैक्टिस करना है। तो जैसे जब हम अव्यक्त फरिश्ते का अनुभव करते हैं, तो जब चाहे हम आत्मा द्वारा जैसे बाबा बोलते हैं पंछी बनकर उड़ना, तो इस स्थूल देह में कभी प्रवेश करते हैं, कभी न्यारा प्यारा बनकर परम धाम में अव्यक्त स्थिति बाबा द्वारा जो हमें मदद मिलती है वो हमें अनुभव होती है। दूसरा अव्यक्त और व्यक्त में, तो जैसे ब्रह्मा बाबा का बताते हैं कि अव्यक्त होते भी व्यक्त में प्रवेश होकर कार्य करते हैं, तो हमें भी वो अपनी वो अव्यक्त स्थिति में रह करके सर्व जो हमारी कर्म इंद्रिया है उससे कर्म कराना है, जैसे दृष्टि वाणी संकल्प सब हम बाबा समान बनना है। तो ब्रह्मा बाबा बेहद के बाबा है, तो यहाँ पर हमें जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ मैं आत्मा, यहाँ पर हमें जैसे बाबा बोलते रचना के रचिता बनकर प्रैक्टिकल का अनुभव, तो हमें भी वही करना है जो बाबा ने किया, क्योंकि बाबा को अपनी जो रचना और रचिता के स्वरूप की स्मृति जब हम रखते हैं तो ये स्टेज हमारे नंबर वन बन जाती है। ये मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है और करती भी हूँ। और जैसे बाबा ने मुरली में एक दिन बताया कि छत्तर छाया, तो छत्तर छाया याद में रह करके बाप से कंबाइंड रह करके ही हमें ये स्थिति बनानी है। ओम शांति जी। डॉक्टर रीमा बहन जी, ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि संपूर्ण पुरुषार्थ क्या है, अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना, जैसे ज्ञान योग धारणा सेवा हमारे चार सब्जेक्ट हैं, तो बाबा ने कहा ज्ञान को बुद्धि में समाना, सिर्फ सुनना नहीं लेकिन धारण करना, और नंबर वन बनना है तो ज्ञान योग को स्वरूप में लाओ, कल भी बाबा ने कहा था ना, तो अगर हम धारण करेंगे ज्ञान को तो हमारे कर्म भी वैसे होंगे, कर्मेंद्रियां भी उसी तरह कार्य करेंगी, तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे, फिर होगा कि हमारे वातावरण या किसी भी व्यक्ति का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, लेकिन हमारा असर हमारा प्रभाव वातावरण पर होगा, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो बाबा ने कहा संकल्प वाणी कर्म तीनों ही एक समान हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। रजनी बहन जी, ओम शांति। अभी बहन ने खूब अच्छे से इसका विवेचन भी किया कि बाबा के साथ अगर बैठना है बुद्धि, तो जैसे उन्होंने कहा कि बाबा जो भी ज्ञान हमें दे रहा है ना, जब तक वो हमारे आचरण में हम उसको अनुभव कर लेंगे तो वो हमारा अपना बन जाएगा, वो ज्ञान फिर जिंदगी भर हमारे पास अपना बन जाएगा, और जो अपनी चीज है उसको बांटने में हमें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती बार बार। बाबा ने कहा ना तभी आप महादानी बन सकोगे, क्योंकि और ये अनुभव तब होता है, बाबा के इतने अच्छे आज ये वाक्य दिल को लगे, कितना शुद्ध स्नेह दिया उसने और इसी कल्प में दिया, क्यों खोए, क्यों एक वक्त भी हम उससे परे हो, सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा नशा जब हमारे अंदर रहता है ना, तो फिर हम उसकी छत्रछाया को अनुभव करते हैं, जैसे अभी बताया कि अनुभव, कि मैं भी वही अनुभव करती हूँ जब मुझे लगता है कुछ कि मैं इधर उधर हो रहा है, बाबा आ जाओ, बाबा मेरे पास है, बाबा मेरे से हो नहीं रहा, तो वो हमें हिम्मत इतनी अच्छी मिलती है कि हम फिर वो बड़ा सहज करके उसको फिर मतलब बोझ नहीं, इंजॉय करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, वो वातावरण भी अपने घर का अच्छा हो जाता है जिससे बात करते हैं, और वो माया हमारे ना टच भी नहीं करती है। आज के मुरली के एक एक पॉइंट बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया, और दिवाली की सबको बहुत बहुत मुबारक, बाबा के दीपकों को। ओम शांति जी। शुक्रिया। डॉक्टर प्रीति बहन जी, सॉरी प्रीति बहन जी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना,
या सीढ़ी चढ़ना और उतरना जैसे आदत पड़ जाएगी तो अभी अभी यहाँ और अभी अभी वहां की स्थिति का ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो हम व्यक्त में भी अव्यक्त की भासना कर सकते हैं और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त में अव्यक्त की मदद ले सकते हैं। और बाबा ने ये बोला कि जितनी याद की यात्रा में पास हो जाएंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध होती जाएंगी। तो हमें याद की यात्रा में पास होते जाना है और व्यक्त और अव्यक्त की सीढ़ी चढ़ना और उतरना है। ओम शांति। दिलीप पाल जी, बाबा का बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा कि समय बहुत पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। संबंध सब, अब सारे संबंध हमें एक बाप से रखने हैं। मेन इसकी क्रस्ट यही निकलता है, सदैव यही एम रखें तो हम मिसाल बनकर दिखाएंगे, इंतजार नहीं करेंगे एग्जांपल। और सबसे अच्छा बाबा ने बताया युगल, युगल हो समझते हो अपने आप को, मेरे साथ हो, अकेले समझते हो तो फिर स्मृति वो नहीं रहती। हर समय बाबा को अपना युगल समझ कर रखना है। दिल से सब संबंध एक बाप के साथ होना चाहिए, कोई तीसरा हमारे साथ ना हो। जो किसी को प्राप्त नहीं होता वो आज हमें प्राप्त हुआ है। अगर हम इस स्मृति में रहेंगे तो सारे दिन कितनी हमें शक्ति आ जाएगी, साथ रखने से शक्ति आप ही आ जाएगी। माया देखेगी इनके साथ तो सब शक्तिवान बाप है, तो वो वैसे देखते ही भाग जाएगी। सबका ये है, बस बाबा को अपने साथ रखो। एक ही याद में रहने से एक अवस्था रहेगी, उसी की छत छाया में सब काम चल रहा है। रविया बहन जी ने बताया कुछ भी करो, बाबा मुझसे ये नहीं होता, आप करवाओ। बस इसमें बड़ा आनंद आता है और बड़ी स्थिति तो अलग होता है। आत्मा को पंक्षी समझना है, वो कभी भी उड़ सकती है, इसी स्मृति में रहना है। सबको दिवाली मुबारक हो। ओम शांति बाबा। ओम शांति। सबको मेन स्क्रीन पर रहना है, यहाँ पर आपको पोल लॉक करना है। जी ललिता बहन, अभी आप होमवर्क दे सकते हैं और 2-3 मिनट योग कराएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने जो हम यही होमवर्क लेते हैं जो बाबा ने मुरली में कहा कि हम या कर्म करते हुए स्वयं को अव्यक्त स्थिति में अनुभव करते हुए अव्यक्त बाप दादा को, अव्यक्त धाम को अपने साथ अनुभव करें, या हम कर्म करते करते भी बीच बीच में अनुभव करें कि जैसे मैं अव्यक्त स्थिति के साथ सूक्ष्म वतन में चला गया हूँ और सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ हूँ। तो आज दिन भर में अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाते हुए आइदर सूक्ष्म वतन को अपने पास बुला लेंगे बाप दादा के साथ, या हम सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे और आज सूक्ष्म वतन का
दिन भर अनुभव करना है इस स्थिति के साथ। और साथ बाबा ने कहा अभी हम योग करेंगे तो इस पॉइंट पर करते हैं, जैसे बाबा एक सेकंड का अंतिम का पार्ट भी एक सेकंड का बताते हैं, क्यों हम योग करते हैं तो बहुत लंबे समय आत्मिक स्थिति, बहुत लंबे समय, अभी एक सेकंड में हम कितना कर सकते हैं उसकी स्वयं की चेकिंग भी करते जाएंगे और आज इसका अनुभव करते हैं। तो सभी एकाग्र होकर बैठ जाते हैं, एक सेकंड में अपने मन बुद्धि से सारे पॉइंट क्लियर, कोई मनन चिंतन की भी स्मृति में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शांत। बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं स्वयं पर। देखे एक बहुत सुंदर तेजस्वी सितारा दोनों आंखों के मध्य चमक रहा है, अति तेजस्वी, सिर्फ एक बाप की प्यारी, सर्व संबंध अपने प्यारे बाबा के साथ निभाने वाली, मैं शिव पिता की प्यारी आत्मा हूं। स्वयं को देखें, हमेशा बाबा के प्यार में समाने वाली, बाबा के साथ लगन की योग अग्नि जलाने वाली, मैं माया से सुरक्षित आत्मा हूं। बिल्कुल स्वयं पर एकाग्र, और एक सेकंड में वहां से उड़कर पहुंच जाते हैं परम धाम। बहुत ऊंचाई पर शिव निराकार और मैं बिल्कुल उनके सामने, बस बाबा और मैं, कोई संकल्प नहीं, कोई सिर्फ बाबा और मैं। और दूसरे ही सेकंड पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। अनुभव करें सूक्ष्म वतन में एक लाइट का शरीर, और मैं अपने लाइट के शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ, एकदम तेजस्वी मेरा लाइट का शरीर। और शरीर की प्रकृति में चमकती हुई मैं लाइट माइट आत्मा, और मेरे सामने संपूर्ण अव्यक्त बाप दादा, बिल्कुल बाबा का भी लाइट का रूप देखें। और बाबा से आती हुई स्नेह की किरणें, अविनाशी स्नेह की किरणें को स्वयं में समा लेते हैं। बिल्कुल विजुलाइज करें इसके बाबा के दोनों नैनों से बाबा के अविनाशी स्नेह की किरणें आती हुई मेरे नैनों में समा रही है। और एक सेकंड में मैं अपने प्रकृति में लौट आती हूँ, तुरंत देखे स्वयं को प्रकृति तख्त पर विराजमान। और अपनी स्थिति में लौट आए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की
ढेर सारी बधाइयां। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दीपावली, सभी को हैप्पी दिवाली भाई। सभी खुशी खुशी घर जाके दिवाली मनाएं, खुशी खुशी बाबा से मिले, खुशी खुशी परिवार से मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी के खुशी के लिए सदा जलते रहे, महकते रहे, ऐसे प्रकाश तरस अवस्था सभी की हो जाए, जल्दी सतयुग आ जाए, वही हमारी जल्द से जल्द आने वाला है।